Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in introduction to bootstrap 5 course. Aaj hum is course ka lecture number 6 start karne ja rahe hain jiske andar humne discuss karna hai rows ke bare mein and columns ke bare mein. Last lecture mein humne discuss kiya tha container mein aur humne dekha tha ki bootstrap grid system ke andar jo teen fundamental elements hai usme sabse pehle hamare paas aata hai container, then rows and then columns. Container ko hum detail ke andar discuss kar chuke hain, aaj humne next two remaining elements rows and columns ke bare mein dekhna hai. तो चलते हैं VS Code में और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं स्टूडेंट्स. तो अब हम आ चुके हैं अपने VS Code में और सबसे पहले हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे क्लासेस रोज एंड कॉलम्स को. लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो जब हमने बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारे बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किससे मिलकर बनता है, कंटेनर से एंड देन रोज एंड देन कॉलम्स. और अगर हम इसकी हायरार्की देखना चाहें तो वो भी हमने देखी थी कि सबसे पहले हमारे पास जो डिवीजन ऐड होती है उसको हम क्लास देते हैं कंटेनर की, मीन वो हमारा होता है कंटेनर. उस कंटेनर के अंदर हमारे एक और डिवीजन एग्जिस्ट करती है जो कि क्या होती है, हमारी रो. एंड अब इस रो के अंदर हमारे पास जो डिवीजन एग्जिस्ट करती हैं उनको हम नाम देते हैं कॉलम्स का. सो इसी हायरार्की को हम आज फॉलो करेंगे और इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखें जी. तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास एड कर लेता हूँ, कौन सी, कंटेनर की. इस कंटेनर क्लास के अंदर मैं एक और डिवीजन एड करता हूँ, इसको मैं क्लास कौन सी दूंगा, रो की जी. अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, कंटेनर और रो को देखते हैं. यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड. फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास डिस्प्ले यूज कर लेते हैं लाइक डिस्प्ले 5. एंड इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हमें ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो सके. बैकग्राउंड इन्फो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल F5 जी स्टूडेंट्स. तो अब आप देख सकते हैं कि हमें हमारी जो आउटपुट है कोड की वो नजर आ रही है यहाँ पर. अब अगर आप एक चीज नोट करें यहाँ पर, जो इस वक्त रो की मेरी जो विड्थ है वो कितनी है, ये जो मुझे एरिया नजर आ रहा है जिसका मैंने बैकग्राउंड कलर इन्फो दिया हुआ है, इस लाइक स्काई ब्लू कलर सा जो एरिया मुझे नजर आ रहा है ये इस वक्त मेरी रो को डिनोट कर रहा है. तो अगर आप देखें कि जो मेरी रो की विड्थ है, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँ और इसके अंदर मैं अपने कंटेनर पर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि जितनी मेरी कंटेनर की विड्थ है बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही मेरी इस वक्त कंटेनर के अंदर मौजूद रो की विड्थ है. इट मींस कि हमारी जो रो होती है वो एक्चुअली में कितनी विड्थ ले रही होती है, जितनी उसकी पेरेंट की विड्थ होती है. और हमारे बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारी रो का पेरेंट कौन होता है, कंटेनर होता है. इट मींस कि रो की विड्थ हमेशा किसके बराबर होगी, उसके पेरेंट कंटेनर के बराबर. ठीक है. अब हमने चूंकि लास्ट लेक्चर जब हमने डिस्कस किया था बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को, हमने ये भी देखा था कि हमने रोज के अंदर डायरेक्ट डाटा नहीं ऐड करना, जो हमारी वेबसाइट का एक्चुअल कंटेंट होगा, जो इमेजेस हैं या टेक्स्ट हैं या जो भी कंटेंट है वो हमने किसमें ऐड करना है, वो हमने डिफरेंट कॉलम्स के अंदर ऐड करना है. सो अब हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने डिफरेंट कॉलम्स को भी जी. तो मैं यहाँ से इस हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर रहा हूँ, इसकी जगह ऐड कर रहा हूँ एक कॉलम और अपने टेक्स्ट को इस कॉलम के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, डॉट कॉल. अब हम ये डिस्प्ले की क्लास भी किसको दे देते हैं, अपने कॉलम को, और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं लाइक प्राइमरी. पेज को रिफ्रेश करते हैं जी. तो अब आपने देखा जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मेरा कॉलम नजर आ रहा है. ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कॉल की क्लास क्या करती है, वो सबसे पहले देखती है कि रो के अंदर अवेलेबल स्पेस कितनी है. उसने देखा कि रो के अंदर तो सारी की सारी स्पेस अवेलेबल थी, मीन 1320 पिक्सेल ही अवेलेबल थे. क्यों, क्योंकि मैंने उससे पहले तो रो के अंदर कुछ ऐड ही नहीं किया था. तो उसने क्या किया, उसने उस सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया. मीन मेरी रो की विड्थ कितनी है, अगर मैं देखूं यहाँ पर रो की विड्थ तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड पोर्शन के नीचे लिखा हुआ है 1320. और अगर मैं इस रो के अंदर जो मैंने कॉलम ऐड किया उसकी विड्थ देखूं तो वो भी कितनी है, एग्जैक्टली 1320. तो उसने क्या किया, कॉल की क्लास ने पूरी की पूरी रो को इनटेक कर लिया. लेकिन अगर क्या हो कि मैं एक की बजाय दो कॉलम्स यहाँ पर ऐड करूँ, मीन एक और कॉलम मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन के ऊपर क्लियरली नजर आ सके. इसको मैं लेट्स सपोज सक्सेस दे देता हूँ. सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं जी. अब अगर आप देखें तो क्या हुआ, अब मेरी रो की विड्थ तो अभी भी कितनी है, 1320. लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अभी भी कितनी है, 1320. लेकिन अब लेकिन उसके अंदर जो कॉलम एग्जिस्ट कर रहे थे उनकी विड्थ क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है. और वो कितनी हो चुकी है, 660. दोनों की विड्थ कितनी है, 660. विच मीन्स दोनों ने क्या किया, इक्वली डिवाइड कर लिया रो की जो विड्थ थी उसको. मतलब कि अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, 1320 थी मेरे पास टोटल रो की विड्थ, उसको मैंने डिवाइड कर लिया दो, यानी टू इक्वल साइज के कॉलम्स के ऊपर, कितनी आ गई, 660. इट मींस अब मेरे इंडिविजुअल कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी हो चुकी है, 660, जो कि मुझे यहाँ पर नजर भी आ रही है. सिमिलरली क्या होगा कि अगर मैं इस पर एक से ज्यादा कॉलम मजीद इसमें ऐड करूँ, लाइक
अब इस वजह मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो चुके हैं। अब मेरे पास इसलिए जो रो की विड्थ है वो डिवाइड भी किसके ऊपर होगी, 4 के ऊपर होगी, 1320 डिवाइडेड बाय 4 जी, तो कितनी आ गई 330, विच इज द विड्थ ऑफ इंडिविजुअल कॉलम। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, 330 330 330 एंड 330 जी। तो हमने यहाँ पर देखा कि कॉल की क्लास ने क्या किया, उसने इक्वल साइज की या इक्वल विड्थ के डिफरेंट कॉलम्स बना लिए, और वो इक्वल विड्थ किस बेस के ऊपर डिटरमिन की गई, वो हमारी रो की विड्थ के ऊपर डिटरमिन की गई। मीन रो की विड्थ को हमने डिवाइड कर दिया किस पे, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर, और जो हमारे पास वैल्यू आई, जो हमारे पास आंसर आया, वो विड्थ सेट हो गई हमारे इंडिविजुअल कॉलम की। स्टूडेंट एक और चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 12 इक्वल साइज के कॉलम ही बन सके, नहीं, हो सकता है कि हमारे पास इक्वल साइज के जो कॉलम्स हैं वो 12 या 12 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 12 से कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी रो के ऊपर कि हमारी रो की विड्थ एक्चुअली में कितनी है। और हम जानते हैं कि हमारी रो की विड्थ भी, क्योंकि इस केस के अंदर रो की विड्थ और कंटेनर की विड्थ सेम है, इसलिए हमारी कंटेनर या रो की विड्थ चेंज करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्क्रीन्स। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊं, तो ये ब्रेक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हर ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारे कंटेनर की जो विड्थ है वो चेंज है, वो डिफरेंट है। लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो इस वक्त जो मेरे रो की या मेरी कंटेनर की विड्थ है वो कितनी हो चुकी है, 540 पिक्सल सेट हो चुकी है। तो इसलिए मेरे जो कॉलम्स हैं, इंडिविजुअल कॉलम्स, उनकी भी विड्थ क्या हो रही है, उनकी भी विड्थ डिपेंड कर रही है अपनी रो की विड्थ के ऊपर। मीन 500 एंड कितनी है यहाँ पर, 540, मीन 540 पिक्सल्स को इस वक्त डिवाइड किया जा रहा है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, और हर इंडिविजुअल कॉलम की कितनी विड्थ बन रही है, 135, जो कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। So, क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम स्क्रीन के साइज को स्मॉल करते हैं या इनलार्ज करते हैं, तो रो की विड्थ भी चेंज होती है, और रो की विड्थ चेंज होने से हमारे कॉलम्स की विड्थ भी चेंज होती है। और जब हम रो की विड्थ हमारी इस कदर स्मॉल हो जाए, तो वो क्या करता है, वो कॉलम्स को भी नेक्स्ट रो के अंदर शिफ्ट कर देता है, क्योंकि अब इससे कम विड्थ के अंदर मेरा जो एक ये कॉलम का जो कॉन्टेंट है वो इससे कम विड्थ के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए वो क्या करेगा, वो वर्ड को तो स्प्लिट नहीं कर सकता, मीन ये नहीं हो सकता कि वो इस वर्ड के 3 कैरेक्टर्स एक लाइन में शो करवाए, बाकी कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन में शो करवाए। इसलिए वो क्या करता है, वो लास्ट कॉलम को ही आपके नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ ज्यादा हो जाती है। मीन अगर मैं इससे पहले तक देखूं, तो मेरे पास इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ कितनी है, 116 पिक्सल्स, लेकिन और ये कब तक इतनी रहती है, 413 एक्सपोज अगर मैं करूं जी, 413 तक तो मेरे कॉलम्स की जो विड्थ है वो एक ही रो के अंदर सारे कॉलम मेरे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ 103.25 है। लेकिन अगर मैं इससे बिलो करता हूँ 412, तो अब अगर मैं इसको 412 को डिवाइड करता हूँ किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो मेरे पास बनते हैं 103 पिक्सल्स। लेकिन 103 पिक्सल्स के अंदर मेरा कंटेंट नहीं आ सकता सारा का सारा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने वर्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, मीन मुझे अपने कुछ कैरेक्टर्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए वो इससे बचने के लिए क्या करता है, वो लास्ट कॉलम को ही नेक्स्ट रो के अंदर शिफ्ट कर लेता है, और दोबारा से अब जो इंडिविजुअल कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। अब इंडिविजुअल कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी हो चुकी है, 137। आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉल क्लास का बिहेवियर समझ में आ गया होगा, रोज को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, रोज के अंदर डिफरेंट कॉलम्स किस तरह से ऐड करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कॉल क्लास के साथ नंबर्स को यूज करके, मीन हम खुद से डिफाइन करेंगे कि हम 12 कॉलम सिस्टम के अंदर किस तरह से डिफरेंट कॉलम्स को यूज करते हैं, किस तरह से डिफरेंट कॉलम क्लासेस को यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।